तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन न्यू वीडियो। तो दोस्तों, ये कोई वीडियो जो है जो लास्ट टाइम आपने देखी थी मेरी वीडियो, जो एक मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो एक्चुअली क्या है ना, उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बहुत अग्रेसिव था। तो उस टाइम मैं उनकी आरसी लेकर आ गया था, नहीं करूँगा। तो उस टाइम मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म था, तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया। बट घर पर जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि गलती उनकी भी नहीं थी, गलती मेरी भी नहीं थी। वो एक रोड एक्सीडेंट था, जो कि उनके भी आगे कोई आ गया था, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक मारी सडनली और पीछे से मैं जाके हिट हो गया। तो आज उनका फ़ोन आया मेरे पास कि बेटा मैं आ गया हूँ आपके ऑफिस के बाहर, अब मेरी आरसी दे दो और अपने पैसे ले लो। तो अभी मैंने उनको बताया नहीं है कि मैं आपकी आरसी रिटर्न कर रहा हूँ और पैसे नहीं लूँगा। उनको अभी तक यही लगता है कि मैं उनसे पैसे ले लूँगा। तो एक बार जाके नीचे उनसे मिलता हूँ, उनका फ़ोन आया था अभी, नीचे जाके मिलता हूँ उनसे और उनको बोलूँगा कि अंकल जी, मैं उनसे एक बार सॉरी बोल दूँगा, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया था। मैंने भी कुछ बोल दिया था उनको, बिकॉज उस टाइम को समझ नहीं आ रहा था मुझे, क्योंकि बाइक की हालत देखकर और अपनी हालत देखकर मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया था। बट मुझे गुस्सा इसी चीज़ का था कि वो अंकल भागे क्यों, और उनका भी जायज़ था, वो डर की वजह से भागे थे, क्योंकि वो पूरे टाइम रोड पर ही रहते हैं, वो देखते हैं कि लोगों को मारते हैं सीधा ड्राइवर को। तो ये चीज़ गलत है, एक बार सामने वाले को भी सुननी चाहिए। तो यही चीज़ हुई थी। तो मैं जा रहा हूँ नीचे, उनसे आके मिलता हूँ और उनकी आरसी रिटर्न करता हूँ, और मैं अपनी तरफ से भी सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि अंकल वो मेरे फादर की एज के हैं, उनकी मुझे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो एक बार उनसे नीचे करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि आप देख रहे हो, जस्ट मेरे सामने मेट्रो स्टेशन। तो मैं जा रहा हूँ उनके पास अब। तो गाइस, जो जो हिट हुई थी गाड़ी, ये आपने चेंज करा लिया? ये क्या करूँ? हाँ सही बात है, नुकसान तो आपका भी हुआ था उस दिन। हाँ लगा होगा आराम से। ये भी लाइट टूट गई थी उस दिन, क्योंकि पीछे से आके मैंने अंकल में टच कर दी थी और आगे एक ऑल्टो वाला आ गया था, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें सिचुएशन ख़राब हो गई थी। उनका अंदर बैठते हैं। तो जो भी मुझे भी, मैं घर जाके मैंने सोचा मेरे की अब मैं जाऊँगा तो मैं बेटा को जरूर। नहीं, मैंने बस, मेरे को बस इस बात का दुख था कि आप रुके नहीं वहाँ पे, वरना रोड पे टक्कर होती रहती है। वो तो रोड है, तो देखो गाड़ी बाहर निकली तो टकराएगी हुई बेटा एक बार, क्योंकि आपका भी देखो नुकसान हुआ है। आप में आपका कोई घर का परिवार तो नहीं? बिल्कुल, आप भी जानते हो। बिल्कुल सही बात है, लोग उसको नहीं देखते, मेरी तोड़ाई करते। ये तो है, ये बात सच है, ये बात हो रखी है। हाँ। ऐसा है, क्योंकि मैं गुस्से में आता तो शायद आपके पास अलग ही भावना लेके आता। देखो आपसे मेरे को रिश्तेदारी नहीं थी, मैं कहता हूँ अब हमारा प्यार है। बिल्कुल, देखो वो एक अलग चीज है कि हमारे दिल में आपके लिए प्यार है और हमेशा हम सबके लिए रखते हैं। नहीं नहीं, आप भी हमारे बच्चे, हमारा भी बेटा कॉलेज कर रहा है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि ना तो हम तुम्हारे ना तुम हमारे। सही बात है, वो तो हम तो अननोन ही थे वहाँ पे, कोई जानते थोड़ी थे किसी को। लेकिन आपका भी चलो ठीक है, आप अपनी जगह ठीक थे जगह, क्योंकि नुकसान तो आपका भी हुआ। एक बार सिचुएशन क्या होती है ये बताओ एक बार। मैं तो पीछे था, मैं तो ध्यान नहीं था। गाड़ी में फर्स्ट चलाता ही नहीं, मैं एक जेन्युइन में भी बात हूँ, नौकरी करता था पहले। आगे L2 वाला था, वो पता नहीं शराब पिए था क्या था उसने, वो तो पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। वो तो भाग गया, उसने एकदम ब्रेक मारा। बच्चों को पाल रहा हूँ, सही बात है, बिल्कुल हर कोई यही है। बेटे की मैंने अभी एडमिशन कराया था, उसमें फीस भर रहा दिया, बेटी मेरी 10वीं पढ़ रही है। अच्छा, तो खर्चे तो आप जानते ही हो, खर्चे तो बहुत है, और माँ बाप से मैं कुछ नहीं था। नहीं नहीं सही है। हेलो, क्यों क्या दिक्कत है, कर दो फटाफट करो, हम खड़े हैं अपन, ठीक है। कभी भाई के लिए थोड़ी सी मदद कभी करे, बिल्कुल तो थोड़ा सा कर देना, बिल्कुल एनी टाइम कभी भी कॉल करना। अब अकेले नहीं करोगे बेटा, मेरे को उस दिन इतना दुख हुआ था आपसे ज्यादा, मुझे घर जाके दुख हुआ था। और ये बता दूं, मैं आप यकीन नहीं करोगे, बिहारी जी के सामने है, मैं बड़ा धार्मिक प्रतीक का हूं। हेलो प्रफुल्ल, गूगल पे खोलना, उसमें कर देगा ना, उसमें फोन जो लिखा है, फोन नंबर वन नंबर डाल के ये भैया का निकला। बिल्कुल आपकी पेमेंट आ गई है मेरे पास अभी। चल ठीक है, सब मदद करना आगे। हाँ बिल्कुल, हो गया बेटा, हो गया। लो आपकी आरसी, ठीक है। ये जो आपने मेरे को 3000 पे करे ना, ये मैं आपको वापस। अरे बेटा क्यों? नहीं नहीं नहीं, क्यों? नहीं 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 नहीं, क्यों? बस मेरा मन नहीं है ऐसी। अरे मेरा बेटा, क्योंकि गलती उस टाइम देखी जाए तो ना आपकी थी ना मेरी थी, तुम क्यों पे? वो एक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अंकल रोड पे कोई ऐसा, ये तो अंकल पे तुमने एहसान कर दिया। नहीं नहीं, एहसान कुछ नहीं करा, बस उस टाइम मैं कहता हूँ, उस टाइम मेरे को ना
बहुत सिचुएशन वो गलत हो गई थी। देखो जो मैंने रिएक्ट करा वो नहीं करना चाहिए। बाप भी गलती करता है, सही बात है, गलती करता है। और बेटे जब बराबर का हो जाए दोनों की सुनना चाहिए। नहीं नहीं सर हो गए बेटा, मैं बता रहा हूँ मेरा अभी भी शरीर, मैं समझ रहा हूँ, मैं उस टाइम देखकर आपको समझ गया था कि, लेकिन उस टाइम मेरा भी ना बहुत ज्यादा मूड खराब था, कैसा होता है क्योंकि सिचुएशन वो नहीं हैंडल थी। देखो अगर ज्यादा भी लग जाती, हाँ बचा ही गया था लगने को, अगर वो मेरे पास गेयर नहीं होता तो बहुत सिचुएशन खराब हो जाती। थोड़ी मदद करना, बिल्कुल करेंगे, ठीक है, कर लेंगे, ठीक है। मैं क्या करूँगा आपकी, ना कुछ नहीं कुछ नहीं, नंबर डिलीट बस एक बार कंफर्म कर लो, एक बार आपकी पेमेंट हो गई, कोई नहीं, एक बार कंफर्म कर लो, मेरे को शांति मिल जाएगी ना कि हाँ भाई पेमेंट हो गई है। अरे तो क्या हो गया, नहीं 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 नहीं, तो आपने मेरे पर फोन, भैया ने वो पैसे वापस कर दिए, मैसेज आ गया क्या? ठीक है ठीक है। और भैया ये कह रहे हैं पढ़ाई बढ़िया करो, तो भैया की मैं मदद करूंगा, ठीक है, बिल्कुल, ओके ओके, चलो ठीक है अंकल जी, बहुत आप भी अपना काम करो, क्या आशीर्वाद से बेटा। और अंकल जी कुछ खाओगे आप? हो नहीं नहीं बताओ, कुछ कुछ भी खाना हो, कुछ हो, कुछ नहीं खाना है, बस आपका प्यार ऐसे बस, नहीं नहीं आप हमारे को हाथ रहना चाहिए, पेशेंस बना के रखो, ये तो है, गंदे लोगों से पेशेंस है। एटा का रहने वाला हूँ मैं, एटा एटा वागे एटा अलीगढ़, अलीगढ़ का तो मैं भी हूँ, डिवाइस सुना है, अरे वाह, मैं प्रॉपर एटा का रहने वाला हूँ, अच्छा, शांति नगर घर में हमारे गाँव, चलो ठीक है फिर आप अपना काम, ओके ओके। उन्हें ये वापस किया तो मेरे को, अरे नहीं नहीं वापस, मतलब मैं वापस आ चुका हूँ ऑफिस, और मैंने अंकल को पैसे कर दिए रिटर्न, बिकॉज मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था उनसे पैसे लेने में, बिकॉज उस टाइम कुछ समय बोल दिया था कि मेरे को पैसे चाहिए, और अंकल एक हफ्ते बाद अपनी आरसी मैंने उनकी रख ली थी कि आप जब पैसे लेकर आओगे आरसी लेकर चले जाना, तो उनको मैंने आरसी रिटर्न कर दिए और पैसे भी रिटर्न कर दिए। अंकल भी काफ़ी खुश थे और बहुत ही ज़्यादा शरीफ थे यार वो, तो इसलिए मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था, तो पैसे लेने का कोई मतलब भी नहीं था यार, रोड पर एक्सीडेंट हो जाते हैं छोटे मोटे, तो बाकी ठीक है यार, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले पाए। Audio Jungle.